Yummy।
गंगा मैया के किनारे इस वक्त मैं खड़ी हूँ और जैसे कि यहाँ से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारा इतिहास है जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो कहा जाता है कि जब भगवान राम जी का रावण से युद्ध हुआ था तो बहुत सारे लोग उस युद्ध में मारे गए थे,
जिसके बाद भगवान राम को काफ़ी पश्चाताप हुआ और उन्होंने सोचा कि इसके लिए पश्चाताप के लिए कुछ किया जाए, तो वो यहाँ पर आए ऋषिकेश पर और इस जगह पर आकर के उन्होंने तप किया और सोचा कि कुछ पुण्य कमाया जाए। अक्सर कहा जाता है कि ये जो पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से अक्सर दूसरी तरफ जाया करते थे और उन्हें देख करके भगवान लक्ष्मण जी को काफ़ी दुख होता था और वो सोचते थे कि भगवान राम जी को यहाँ से जाना पड़ता है तो वो काफ़ी भीग जाते हैं और उन्हें इस बात से काफ़ी तकलीफ़ होती थी अपने भ्राता श्री को देख करके कि वो भीग जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रस्सियों से बना करके एक पुल का निर्माण किया ताकि उनके भाई भीगे नहीं, और वही पुल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो पुल है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि अभी हम लक्ष्मण झूला पार करके यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी मैं गंगा के पास में बैठी हूँ नाव पर, और गंगा पार करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, यानी कि इस नाव से भी हम गंगा पार जा सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा व्यू है और सूरज भी नीचे डूबने वाला है। और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि ये जो नाव है ये वैतरणी पार कराने के लिए भी एक माध्यम है और आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा माध्यम है नदी पार करने के लिए, अगर उन्हें दूसरी साइड जाना हो। और बहुत अच्छा व्यू है, लोग काफ़ी इन्जॉय करते होंगे और मैंने सुना है कि सिर्फ 10 या 15 रुपये में आप यहाँ से दूसरी साइड यात्रा कर सकते हैं। फोटो नहीं खींच रहा, मैं दुकानदारी देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। कहाँ के रहने वाले हो? नहीं, ना ना, यूपी में। यूपी का कहाँ से? इसी केस के? तो ये तो ऐसी लग रही है जैसे बरेली साइड। पहले यूपी ये भी थी। To the mind that is still the whole universe surrenders.
Be still and know yourself as the truth you have been searching for. Be still and let your life be lived by the purpose you were made for. This is the place where you find that stillness in Rishikesh. It is that place which mysteriously, magically brings depth in your life, which gives you the space to be with yourself, to know yourself, and to realize how deeply you are connected with nature. Rishikesh is a place of oneness, regardless of the country we are from or the languages that we speak, whether we are a human or an animal. When we walk on the streets of Rishikesh, we all walk as life. We all walk as one. Like how this is in yoga. Yoga is about realizing the oneness in us all. And this oneness you will find it here. Here everybody feels home. For the heart of Rishikesh embraces all. आपने मेरे साथ देखा कि हम लक्ष्मण झूला पूरा घूम चुके हैं और काफ़ी घूमा है हमने यहाँ पर अब काफ़ी थक भी चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ और काफ़ी जगह आप लोग घुमाया भी है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सीतापुर है, जो कि हाल ही में बना है ये सीतापुर, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्वर्ग आश्रम है और यहाँ पर शाम को लोग इवनिंग वॉक करने के लिए भी आते हैं। और भी बहुत सारी जगह है ऋषिकेश में जो कि आपको दिखाना बाकी है, लेकिन अभी के लिए काफ़ी थक भी चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अगले एपिसोड में आपको और भी बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें दिखाई जाए। आज के लिए यहीं पर साइन ऑफ करते हैं और बाकी की जगह अगले एपिसोड में आप ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।